हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स? अगर आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। हम लोगों ने क्या किया था फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे। क्या देखे थे फ्रेंड्स? हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर चुके थे, हम लोग देख चुके थे फ्रेंड्स। तो आज जो हम जानेंगे फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्या, डच को जानने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं किसको, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। जो चलिए बिना विलंब किए क्या करेंगे, हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कब आई थी भारत में सर, 1602 में आई थी। क्या बात थी, 1602 में आएंगी, आपको पता ही होगा, मैंने बताया था सामान्य जानकारी में सामान्य। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास पार्ट 6। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आएगा आपको फ्रेंड्स। पहले जानेंगे कि क्या होता है फ्रेंड्स, नीदरलैंड जो अभी वर्तमान में है, नीदरलैंड नाम है इसका, पहले क्या नाम था फ्रेंड्स, हॉलैंड फ्रेंड्स। यहीं के निवासी को क्या बोला जाता था फ्रेंड्स, डच बोलते थे। क्या बोलते थे, यहीं के निवासी हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को क्या बोला जाता था फ्रेंड्स, डच बोला जाता था। और क्या होता है फ्रेंड्स, जो पहला डच होता है, व्यक्ति होता है आने वाला, उसका नाम होता है क्या फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ आपको, हाउटमैन होता है फ्रेंड्स। हाउटमैन क्या करता है, जिस रास्ते से क्या होता है पुर्तगाली आते हैं फ्रेंड्स, क्यों पुर्तगाली आते हैं, जिस रास्ते से पुर्तगाली आते हैं फ्रेंड्स, वही रास्ते से ये देखते हुए कहाँ आता है, आ जाता है कहाँ तक फ्रेंड्स, इंडोनेशिया तक आता है। कहाँ तक आता है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया तक क्या हुआ फ्रेंड्स, ये आ गया, कौन आ गया, हाउटमैन, जो कहाँ का है फ्रेंड्स, नीदरलैंड का है, यहाँ तक आ गया और पहुँच जाता है। और रास्ते में कई जहाज़ मतलब कि क्या होता है कि मतलब गायब हो जाता है, कई लोग क्या हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, जहाज़ गायब हो गया, पर इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हाउटमैन कब पहुंचता है फ्रेंड्स, 1595 में क्या होता है फ्रेंड्स, हाउटमैन इंडोनेशिया तक पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया तक क्या होता है फ्रेंड्स, हाउटमैन इंडोनेशिया अब पहुंच चुका है। अब क्या होता है कि जहां तक देखता है कि हाँ पुर्तगाल भी है, तो जहां तक पुर्तगाल का साम्राज्य मतलब स्थापित रहता है फ्रेंड्स, उसको वहां तक बिजनेस नहीं करता है, वहां उतना जगह को क्या कर देता है, ये हाउटमैन छोड़ देता है। हाउटमैन क्या होता है, जहाँ तक पुर्तगाल का होता है फ्रेंड्स, मतलब व्यापार सब कर रहा था कौन, पुर्तगाल, वहाँ तक क्या करता है हाउटमैन छोड़ देता है। उसके बाद जो बचता है फ्रेंड्स छोड़ देता है, और बाकी पर क्या करता है, बिजनेस करने के लिए तैयार है, और बिजनेस कर लिया गया। और काफ़ी क्या हुआ हॉटमैन जो, उसको क्या हुआ फ्रेंड्स, काफ़ी प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। क्या हुआ फ्रेंड्स, लाभ हो गया किसको, हॉटमैन को हो जाता है क्या, लाभ। अब एक संस्था बनती है फ्रेंड्स, जो अभी काफ़ी इम्पोर्टेंस आपको माना जाएगा फ्रेंड्स, वर्ल्ड का यह पहला ऑफिशियल होता है क्या, ऑफिशियल व्यापार का केंद्र माना जाता है, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि सांसद बनता है, संसद भवन बनता है। और एक प्रस्ताव क्या होता है कि पारित किया जाता है, और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि फ्रांस रहते हैं, रूस रहते हैं, जर्मनी रहता है, क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रांस, रूस, जर्मनी वगैरह क्या है रहते हैं। और सांसद का जो होता है फ्रेंड्स, स्टेट जनरल का में होता था, उसे क्या कहते थे, स्टेट जनरल बोला जाता था। क्या बोला जाता था फ्रेंड्स, स्टेट जनरल बोला जाता था। अब क्या हुआ कि स्टेट जनरल बन गया कहते थे। और यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रस्ताव पारित होता था, क्या होता था, प्रस्ताव पारित होता था। जैसे हम लोग देखते हैं कि संसद में भी प्रस्ताव पारित होता है, उसी तरह क्या होता था यहाँ संसद में, क्या होता था फ्रेंड्स, प्रस्ताव पारित होता था। और कहता था कि जो जितना शेयर लगाएगा भाई, शेयर बनाया गया था, और जो कितना पैसा चाहे लगाना चाहता था वो लगा लेता था, और सरकार के पास दिया, और सरकार का क्या होता था, पूंजी लग रही थी, क्या, पूंजी लगता था। और यही
मतलब कि संस्था जो आगे जो हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, इससे पहले की घटना है ये। अब क्या होता है कि यही संस्था 1602 में फ्रेंड्स, कब 1602 में, कब फ्रेंड्स 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। कौन बनती है फ्रेंड्स? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है 1602 में। जो हम बताएं कि ये समय फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, सांसद स्टेट ये सब वगैरह। तो चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका पॉइंट हो गया क्लियर। अब क्या होता है फ्रेंड्स, हाउटमैन अब फिर दोबारा आएगा। कौन? यहाँ से तो फ़ायदा कमा करके चला गया हाउटमैन। हाउटमैन का आया फ्रेंड्स, दोबारा आया हाउटमैन, फिर से आया, इन किया, फिर से दोबारा आ गया हाउटमैन, आ गया ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन क्या होता है, परंतु रास्ता जो होता है फ्रेंड्स, जो हाउटमैन आता ही नहीं है, और रास्ते में क्या होता है, आया वहाँ से इंडोनेशिया से चला, और क्या हुआ, रास्ते में ही भारत आने से पहले क्या हो गया, दोबारा ये मर गया फ्रेंड्स। अब क्या होता है, डच भारत तो क्या हुआ, डच अब एक तो आया हॉटमैन, अब दूसरा यूरोपीय देश आता है फ्रेंड्स। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या हो जाता है, प्रचलित था। तो ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका भी एक और नाम था, जैसे हम जाने थे, क्या जाने थे फ्रेंड्स, एस्टाडो दो इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था, उसी तरह क्या था फ्रेंड्स, इसका क्या का नाम था, वेरिगदे, वेरिगदे ऑस्टेंड, ऑस्ट इंडिस, ऑस्ट इंडिस कंपनी नाम था, क्या था, वेरिगदे ऑस्ट इंडिस कंपनी, क्या ना किसका नाम था फ्रेंड्स, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। इसमें क्या हुआ था कि ये लोग अपना एक लोगो बनाया था, लोगो बनाया था फ्रेंड्स, क्या बनाया था, लोगो बनाया था जिसमें वी ओ सी ए लिखा होता था, जो ऐसे लिखा होता था फ्रेंड्स, कैसे देखिए, ये होता था वी, ये ओ, ये सी, और यहाँ पे होता था क्या फ्रेंड्स, ए होता था, वी ओ सी लिखा होता था उनके लोगो में। वी का मतलब होता था फ्रेंड्स वेरिगदे होता था, क्या होता था, वेरिगदे, वी फॉर वेरिगदे होता था, वेरिगदे, वेरिगदे होता था, भी का मतलब होता था क्या, वेरिगदे। और क्या होता था फ्रेंड्स, ओ जो आता था फ्रेंड्स, ओ बराबर लिखता हूँ मैं, ऑस्ट ईडेस, इंडेस होता था, ऑस्ट इंडेस। और उसके बाद सी जो आता था, इसका मतलब तो आप कंपनी समझ ही रहे हो। और क्या होता था, ए जो आया था फ्रेंड्स, इसे एमस्टरडम कहा जाता था, एमस्टरडम कहते थे, ये कैपिटल थी एमस्टरडम, क्या था फ्रेंड्स, कैपिटल था किसका फ्रेंड्स, नीदरलैंड का कैपिटल था, नीदरलैंड का, नीदरलैंड का क्या था, कैपिटल था कौन, एमस्टरडम। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके क्या हो रहे होंगे फ्रेंड्स, क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे क्या, और इसका जो प्रधान कार्य भी होता था, इसका प्रधान जो होता प्रधान कार्य फ्रेंड्स, ये भी कहाँ था, एमस्टरडम ही था, कहाँ था, प्रधान कार्यालय एमस्टरडम ही था, जो कैपिटल था नीदरलैंड का। अब यहाँ से क्या होता है, उनका कंट्रोल होगा, मतलब कि जो है एमस्टरडम का होगा कार्यालय हो गया, यहाँ से क्या होता था फ्रेंड्स, कंट्रोल मॉनिटरिंग के लिए क्या किया गया था, 17 लोगों को का बोर्ड होता था यहाँ, और यहाँ पर निर्णय लिया जाता था कि क्या कैसे करना है, इन 17 लोगों के द्वारा मीटिंग करके कि क्या कैसे करना है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो अब हम देखे थे कि वेरिगदे ऑस्टेंड कंपनी बनती है, ये एमस्टरडम जो बिजनेस के लिए बनी थी, ये क्या होता है फ्रेंड्स, दुनिया का पहला सरकारी कंपनी होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ल्ड का फर्स्ट गवर्नमेंट कंपनी होता है, क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी होता है, कौन फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया, क्या बताया, वेरिगदे ऑस्टेंड कंपनी, जिसका बताया था मैंने वी ओ सी क्या होता है, एक लोगो बना हुआ था फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके पॉइंट क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक होगा, यहाँ तक आप इसे एक दो बार वीडियो को देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब हम चलेंगे डच की व्यापारिक कोठियों की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।